हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज बनाएंगे हम आलू और फ्रांस बीन की सब्जी। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें डाले हैं मैंने 2 छोटे चम्मच तेल। तो मैंने लिया है सरसों का तेल, आप चाहे कोई भी कुकिंग तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है, इसलिए मैंने सरसों का ही लिया है। इसमें डाला है 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से तड़कने पर यहाँ पर डाली है मैंने कुछ लहसुन की कली, 8 से 10 बिल्कुल बारीक बारीक काटी है। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाला है मैंने 1 बड़े साइज का प्याज, जो कि बारीक बारीक काटा है ये भी। और प्याज को 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने देते हैं, सुनहरे कलर आने तक इसको पकने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। और तब तक ये पक गए हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है इस तरीके से। तो टमाटर के साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 आलू। तो आलू को मैंने इस तरीके से काटा है, ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा छोटे, तो मीडियम टुकड़ों में काटा है आलू को। तो आलू को 5 मिनट ऐसे ही टमाटर के साथ भूनना है। इस तरीके से आलू को भूनेंगे ना तो सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आएगा, इस पर एक सुनहरे से कलर की परत आ जाएगी आलू के ऊपर, गोल्डन से कलर की। तो इसी तरीके से आलू को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम नहीं करना है। और आपको याद दिला दूं, अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने अच्छा नहीं लगता डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड मैंने दूध रखा है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैं खड़ी थी तो मैं सब्जी बना रही थी, मैंने सोचा दूध भी हो जाएगा साथ के साथ। और यहाँ पर देखिए करीब करीब 4 मिनट हो गए हैं और आलू का कलर है पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपने इस सब्जी को पहले किस तरीके से बनाकर खाया है। और यहाँ पर मैंने कुछ बीन्स लिए थे, तो ये 250 ग्राम के आसपास बीन्स थे। तो मैंने इनको अच्छे से वॉश किया है काट कर, तो मैंने इनको इस तरीके टुकड़ों में काटा है, ना ही ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े, बस ऐसे ही काटे हैं। तो बीन्स को 2 मिनट भूनेंगे आलू के साथ। तो आलू को मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से भूना है और 2 मिनट के करीब बीन्स को भूनेंगे। और यहाँ पर करीब करीब 2 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं इस सब्जी को सूखी सब्जी बना रही हूँ। तो इस तरीके से आप इस सब्जी को बनाएंगे ना तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसमें कुछ मसाले डाल रही हूँ मैं, जैसे हल्दी पाउडर है 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये सूखी सब्जी है कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए आधा ही डाला है। और 1 चम्मच है जो मिर्च पाउडर डाला है। तो बस इतने ही मसाले जाएंगे। और 1/2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है मैंने, बस बेसिक मसाले यही जो हर रोज सब्जी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं। और इन मसालों को इस सब्जी में लो फ्लेम कर लेंगे अब गैस का, ताकि सूखे मसाले हैं जो जले ना, इस वजह से मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है। और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसको 70 से 80% सब्जी को यहीं पे पका लिया है। तो बस सूखे मसाले हैं जले ना, इसलिए 1/2 कप पानी डाल दिया है। और जो आलू थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है वो पक जाएगा, तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको 5 मिनट और पकाना है सब्जी को। और 5 मिनट में ही ये सब्जी है जो एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आलू पहले से ही आधे से ज़्यादा पका हुआ है, थोड़ा बहुत कच्चा है। यहाँ पर मैं तोड़कर भी देख रही हूँ आलू को, क्योंकि ये अच्छे से पक गया है, थोड़ा बहुत कच्चा है। तो 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे इसको, लो फ्लेम ही कर दिया मैंने गैस का। और यहाँ पर इसको ढक कर रख देना है। और 3-4 मिनट हो गए हैं करीब करीब, और मैं सब्जी को फिर से चेक कर रही हूँ। और सब्जी है जो एकदम अच्छे से बन गई है, और जो हमने पानी डाला था एक्स्ट्रा, सारा का सारा पानी सूख गया है। तो आप इस सब्जी को रोटी के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है,
या आप जैसे भी खाना पसंद करते हैं वैसे आप इसको खा सकते हैं। और आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप भी इस तरीके से इस सब्जी को एक बार जरूर से बनाकर खाना, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू।